नगर निगम परिषद की बैठक की तारीख जिस तरह दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, उससे नगर निगम अध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। नगर निगम परिषद की अधूरी बैठक को पूरा करने के लिए नगर निगम अध्यक्ष महापौर को 3 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन महापौर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता शफीक खान का कहना है कि अध्यक्ष अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे, जबकि 42 पार्षद कांग्रेस के हैं और वो अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए बैठक को बुला सकते हैं। इस संबंध में नगर परिषद के अध्यक्ष माननीय कैलाश मिश्रा जी ने चिट्ठी महापौर जी को और माननीय आयुक्त महोदय को 1 लिखी, 2 लिखी और 3 लिखी। उन्होंने तीनों चिट्ठियों में ये लिखा है कि आप बैठक को कंटिन्यू करके इसको समाप्त करें, अपन इसमें जो एजेंडा के शेष बिंदु उस पर बात हो जाए, फिर नई बैठक बुलाएं। लेकिन अब इसमें किसकी हठधर्मिता चल रही है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। सभी लोग जानते हैं नगर निगम प्रशासन किसके कहने पे चल रहा है और कैसे चल रहा है। नगर निगम के अंदर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति नियम और कायदे कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्षद रेहान गोल्डन ने भी अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के 42 पार्षद हैं, ये बड़ी जो आपने बात की है बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस के 42 पार्षद, नगर निगम का एक्ट ये भी कहता है 25 पार्षद साइन करके देंगे तो बैठक बुलाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष और इन लोगों को भी डिसीजन लेना चाहिए। इनकी खामोशी उन लोगों से जवाब लेंगे तो बेहतर रहेगा। नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा खुद अध्यक्ष की गरिमा को अपनी सहज और सरल छवि से धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद दल में खासा विरोध हो रहा है। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवाड़, एमएसटीवी न्यूज भोपाल।